अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। फीट के रिलेटेड काफ़ी जानने मिल रहा है आपको, मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा है ना। नई नई चीज़ें, नए नए प्रोडक्ट्स और कोड फीट में बहुत ही अच्छा माशाल्लाह एक से एक चीज़ दिखाएंगे आपको। हम लोग आज न्यू मुंशी ट्रेडर्स पर, हिम्मत नगर जो अहमदाबाद से काफ़ी करीब है, भाई ने हमको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया मिक्स फीट के बारे में। आइए अभी क्या प्रोडक्ट्स देखने वाले ये उनके ज़बानी जानते हैं हम लोग। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम वसीम भाई। सो भाई, पहले वीडियो में आपने काफ़ी अच्छे से मिक्स फीट की बारे में बहुत बारीकी से बताया आपने, और क्या उसमें होता है क्या नहीं सब कुछ बताया आपने। इस वीडियो में आप कौन से फीट के बारे में बताने वाले हो? असीम भाई, ये चने का छिलका है हमारा। जी भाई, चने का छिलके में जो मैंने आगे भी वीडियो में बताया था कि वो फाइबर, यानी जानवर को खिलाने के बाद फाइबर भी मिलना चाहिए डाइजेशन के लिए, तो छिलका भी ज़रूरी है उसके अंदर। लोग बाज मरतबा सिर्फ अनाज अनाज खिलाए बोले कि ये इससे वेट गेन कर लेगा, वो ज़रूरी नहीं है। वेट गेन पे भी ध्यान दे सकते हैं, सब लोग वेट गेन पे ही ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम फाइबर पे भी फोकस रखना चाहिए, मैं ऐसा मानना चाहता हूँ। सही, क्योंकि जानवर पे समझो एक दो जानवर है तो हम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन बड़े फार्मर लोग में 200 जानवर है वो तो हर एक एक जानवर पर ध्यान नहीं दे सकते। सही कहा। वो खाने के बाद क्या कुछ भी अनाज में कोई भी प्रॉब्लम है, समझ गए, मक्की में भी प्रॉब्लम हो सकता है मॉइस्चर का, अभी सीजन चल रहा है मॉइस्चर, ज़्यादा मॉइस्चर हो तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके वास्ते ये चने का छिलका ज़रूरी है। ये मैनेज करता है फिर चीज़ों को, करता है हाँ, डाइजेशन के लिए मैनेज। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो हमारा चना खाते हैं हम लोग जी, है ना, उसका छिलका होता है ये। जी जी जी, छिलका हुआ। ठीक है, और ये फाइबर के अलावा ये एक्चुअली देना कितना चाहिए एक बकरे को पहले बता? जैसे हम आगे में मैंने बताया था 1 kg फीड में ये 250 ग्राम जाएगा। अच्छा, एक बकरे तो ये फीड में मिक्स करके दे दें कि अलग से दे दें? नहीं, फीड में जो हमारा जो मिक्स फीड है उसके अंदर तो ऑलरेडी ऐड है। अच्छा, लेकिन अलग से जो जानवर को जो दूसरे फीड खिला रहे तो उसको 250 ग्राम जाना चाहिए पर जानवर को। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि अलग से दे दें, फीड में भी वो लोग ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फाइबर का काम करता है, तो आप इसका पूरा बैग सेल करते हैं जी? ये भी आपका खुद का ही प्रोडक्ट है? हमारा खुद का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कितने किलो का बैग आता है और क्या प्राइस में देते हैं आप? अभी 550 का रेट है, 25 kg का बैग आएगा। अच्छा, मतलब इसका प्राइस बहुत चेंज होता रहता है? चेंज होता रहता है, जैसे अनाज का मार्केट चेंज होता रहता है उसमें भी चेंज होता रहता है। ठीक है, सीजन वाइज भी आई थिंक जैसे हरी पत्ती महंगी सस्ती होती है जी। ठीक है, तो 550 का इसका रेट है एक बैग का, और एक बैग आता है कितने किलो का? 25 kg का। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है दोस्तों, पर जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होगा वो आप लोगों को देना होगा। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। भाई, ये प्रोडक्ट के बारे में प्लीज़ बताइए आप। आसिम भाई, मैं जैसा मानता हूँ कि अभी घोड़े जीरे में सबको पता है कि पूरे इंडिया में पता है कि घोड़ा जीरा क्या चीज़ है, ज़्यादातर बम्बई में भी पता है, लेकिन घोड़े जीरे में हमारे पास 3 क्वालिटी रहती है। अभी अवेलेबल हमारे पास 2 क्वालिटी है, जिसमें ज़्यादातर हमारी प्रोडक्ट ये बिक रही है, जो A1 क्वालिटी घोड़ा जीरा बोलते हैं हम इधर जी, जिसके अंदर वाइट वाइट जो दाना रहता है वो ज़्यादातर वेट गेनर है, समझो वेट गेन में सबसे ज़्यादा उसका ही प्रमोट रहता है जी। तो मतलब डिफरेंस ये है, डिफरेंस जो A1 क्वालिटी होगी ये लाल के साथ में उसमें वाइट वाइट दाने आपको दिखाई देंगे। जी जी, वाइट वाइट जो दाने दिख रहे हैं उससे वेट गेन ज़्यादा होगा, उसके अंदर चिकास ज़्यादा है जी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ना कि गुजरात में और मुंबई में तो सबको ही मालूम है, आई थिंक ऑल ओवर इंडिया में बहुत लोगों को शायद नहीं मालूम है। उनको बता दूँ कि ये एक बहुत ही प्रसिद्ध एक फीड है आज के टाइम पे गुजरात में, और ख़ास करके बहुत महाराष्ट्र के एरियाज़ में भी। ठीक है, इसको अनाज की तरह यूज़ करते हैं ना भाई? जी, अनाज की तरह ही यूज़ करना पड़ता है उसको जी। तो ये ऐसे ही रूखा दे देने का रहता है कि कैसा होता है? अलग अलग फार्मर अलग अलग से करते हैं, जैसे बरई वाले वो बिगा के खिलाफ, बिगा के खिलाफ खाने वाले जानवर को लोग डायरेक्ट डालते हैं, डायरेक्ट डाल देने का। ठीक है, तो ये आपने बोले A1 क्वालिटी है ना, और ये हमारी दूसरी क्वालिटी है जो लाल रहेगा लेकिन वाइटनेस कम रहेगी। ओके, उसका भी रेट अलग से रहेगा, जैसे जैसे रेट हमारा क्या एवरीडे का रेट होता है गुजरात में। अच्छा, इसका एवरीडे का अलग रेट है? 11 बजे बाजार खुलता है, 11 बजे हमको बाजार लेना पड़ता है। अच्छा, अगर डाउन भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ओके, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है कि 50 पैसा? नहीं, जैसे ज्यादातर कैटल फीड में क्या होता है, मक्की और कपास फोर यानी कॉटन सीड्स ऑयल फीड पे ज्यादा फोकस होता है, जैसे उसमें उस दोनों में जैसे रेट बढ़ेगा तो हर एक कैटल फीड में रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, फिक्स है, पहले से चल रहा है ऐसा, हमारा मानना ऐसा है कि मक्की का रेट बढ़ेगा तो कैटल फीड हर एक कैटल फीड बढ़ जाएगा। अच्छा,
मतलब मक्का इज द मेन थिंग आप बोल रहे हैं ना? यस सही है। तो ये दो दो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो A1 क्वालिटी इसका क्या प्राइस है और इसका क्या प्राइस है? अभी हम यहाँ से 1250 रुपये में 50 केजी का बैग सप्लाई करते हैं असीम भाई, और ये बैग रहेगा हमारा 1150 में 50 केजी का। और जैसे जैसे मैंने आगे बताया कि रेट बढ़ेगा, अप डाउन रहता है उसका रेट, ऐसे हम लोग फ़ोन पे रेट बताएंगे, जो भी होगा आप डायरेक्टली बता देंगे कस्टमर। जी जी ठीक है। पर क्वालिटी नंबर वन की गारंटी आप लेते हैं? गारंटी लेता हूँ मैं, है ना। कुछ भी 19-20 नहीं होगा, हुआ तो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ठीक है। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी पॉसिबल है। आप लोग पहले एक आध बकरे को टेस्टिंग पे डाल के देखिए, भरोसा होता है पूरे फार्म पे यूज़ कर कीजिए। नंबर वन प्रोडक्ट आपको मिलने की गारंटी है एट न्यू मुंशी ट्रेडर्स। सो ये बात तो हो गई इनकी। अब इससे एक वेट गेनिंग की अगर थोड़ी सी बात करूँ, उसके बाद लोग बोलते हैं कि इससे शाइनिंग आती है बकरों के ऊपर, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है थोड़ा प्लीज बता। शाइनिंग आएगी क्योंकि उसके अंदर फैट ज्यादा है, चिकन ज्यादा है, तो शाइनिंग आएगी। और बकरा ऐसा घसीट के पानी पीता है? हाँ, तो पानी पिएगा ही, क्योंकि ये खाने के बाद पानी तुरंत पीता है जानवर। और हमारे ये प्रोडक्ट है A1 क्वालिटी, जो दूसरी क्वालिटी 1 किलो खिलाओ हमारे 700 ग्राम उसके मुकाबले में काफी है। अच्छा हाँ। और डाइजेस्टिव कैसा रहता है खाने के बाद? एक नंबर अल्हम्दुलिल्लाह, हर जगह पे हम 1 किलो भी दाना डाल दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सही, अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट इसका बहुत बढ़िया है। A1 क्वालिटी का जो मैं बात कर रहा हूँ जी, उससे तीसरी क्वालिटी है हमारे पास, लेकिन हम नहीं रखते, बाजार के अंदर लोग रखते हैं, लेकिन हमको पसंद नहीं। हमारे अच्छे कस्टमर है अल्हम्दुलिल्लाह, सब रिस्पांस दे रहे हैं हमको जी, यही क्वालिटी लाओ और यही मंगवाओ बस। ऑल ओवर अहमदाबाद में माशाल्लाह भाई का घोड़ा जीरा मिक्स फीड हो गया, चना छिलका हो गया, आज बड़े बड़े फार्म्स पे आपको यही फीड देखने मिलेगा। मुंबई के अंदर भी 3-4 बहुत बड़े बड़े फार्म्स पे इनका माल आ रहा है। हम लोग नाम नहीं ले रहे बट लाइक इन्होंने मुझे सब बताया माशाल्लाह, एंड आई थिंक ये काफ़ी यूज़फुल होगा अगर आप लोग भी ट्राई करें इंशाल्लाह। ठीक है। आपके दोनों नंबर्स मैं एक बार, ये तो गुजराती में लिखा हुआ है, अगर आप बोल देंगे तो अच्छा रहेगा भाई प्लीज़। तो मेरा नंबर है 8140799385, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ओनली व्हाट्सएप है कि कॉलिंग भी कर सकते हो? वही ओके नंबर है। ठीक है। और दूसरा नंबर है मेरा 9712418287। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में सब डाल दूंगा जी जी, ताकि लोगों को आसानी हो, और बहुत लोग जो गुजराती पढ़ना जानते हैं वो इस पे से भी ले सकते हैं। ठीक है, माशाल्लाह। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये दोनों फीड बताई आप लोगों ने, है ना, काफ़ी कवर किया हमने माशाल्लाह, एंड थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ ऑर्डर करें आप लोग, अहमदाबाद से काफ़ी करीब दिस शॉप इज़ इन हिम्मत नगर, न्यू मुंशी ट्रेडर्स।